Hello, sir. Tell me how may I help you? Jarvis, tell me about Iron Man. Sure, sir. Iron Man is a fictional superhero appearing in American comic books published by Marvel Comics. The character was co-created by writer and editor Stan Lee, developed by scripter Larry Lieber, and designed by artists Don Heck and Jack Kirby. The character made his first appearance in Tales of Suspense No. 39, cover dated March 1963. A wealthy American business magnate, playboy, and ingenious scientist, Anthony Edward Tony Stark suffers a severe chest injury during a kidnapping in which his captors attempt to force him to build a weapon of mass destruction. He instead creates a powered suit of armor to save his life and escape captivity. Later, Stark augments his suit with weapons and other technological devices he designed through his company, Stark. Jarvis, stop. Stop, sir. तो जैसा कि आप लोगों ने अभी यहां पर देखा यहां पर एक ए था जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहा था और वो मुझसे बात कर पा रहा था मेरे सारे सवालों के जवाब को वो दे पा रहा था और मैंने जैसे ही उसको कहा कि अब बंद हो जाओ तो वो बंद भी हो गया तो यहां पर आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी को बिल्ड करने वाले हैं यहां पर आप लोग किसी भी ऐप के अंदर हो और कोई भी टैब इस्तेमाल कर रहे हो आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इससे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं और दूसरा बात यहां पर कि आप लोग जब तक इसको बंद होने नहीं बोलेंगे तब तक बंद नहीं होगा मान लीजिए आप लोग बहुत सारा ऐप के अंदर काम करें आप लोग ने एक सवाल पूछा फिर उसके बाद आप लोगों ने पांच मिनट बाद वापस सवाल पूछा तो वो तब तक चालू रहेगा जब तक आप लोग इसको स्टॉप नहीं होने बोलेंगे और यहां पर इसको स्टार्ट करने के लिए आप लोग यहां पर की के कुछ बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा कहीं पर भी

करेंगे और तीसरा पार्ट होगा मेथड्स जो कि मेथड्स क्रिएट करेंगे और उस मेथड के मदद से हम लोग इस एआई को बनाएंगे और बाय द वे यहां पर सेकंड चीज ये है कि यहां पर हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करने वाले हैं और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप लोगों तो को तो चैट जीपीटी के ऊपर भरोसा हो गई क्योंकि चैट जीपीटी मतलब आपके लगभग हर सवालों के जवाब को सही दे सकता है तो यहां पर चैट जीपीटी की मदद से हम लोग इसको बनाने वाले हैं बिल्ड करने वाले तो चलिए यहां पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं कोड जल्दी से एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर तीन चीज इंस्टॉल करना होगा तो यहाँ पर पिप इंस्टॉल ओपन नहीं आप लोग को अपने टर्मिनल के अंदर आना है यहाँ पर टर्मिनल बाय द वे यहाँ पर मैं कोड को ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पर चैट जीप्टी डॉट पाई नाम का मेरा फाइल है ठीक है उसके बाद टर्मिनल के अंदर आना और टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल न्यू टर्मिनल के अंदर आकर आप लोग पिप इंस्टॉल ओपन नहीं आई पिप इंस्टॉल फिर पी वाई टी टी एक्स एक्स थ्री और यहाँ पर पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉन्ग्नेशन ये तीनों को डालना है जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको अगर कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करके एंटर करूंगा तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए है यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट सेटिस दिखा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर आप लोगों को यही करना है आप लोगों को इसको इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल करने के बाद जो मेन चीज है यहाँ पर आप लोगों को उसको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर ओपन ए आई की ही मदद से ओपन ए आई का ही है चैट जीपीडी तो हम लोग को ओपन ए आई का एपीआई का जरूरत पड़ने वाला है जिससे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग को ये जवाब देगा और पी टी टी एक्स एस थ्री थ्री Sx33, sx3 यहां यहाँ पर काम आएगा जो भी आप लोग बोल रहे हैं उस वॉयस को लेने के लिए उस वॉयस को रिकॉर्ड करने के लिए और यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नेशन उस वर्ड को टेक्स उस वर्ड को उस वॉयस को, को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के काम आने वाला तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ओपन इंपोर्ट पी वाई टी टी एस एक्स थ्री थ्री जी और यहाँ पर स्पीच रिकॉगनेशन एज एस तो हम लोग यहाँ पर स्पीच रिकॉगनेशन एज एस का मतलब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं इम्पोर्ड स्पीच रिकोग्नीशन करते हैं तो यहाँ पर स्पीच रिकोगनेशन बार बार हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता लेकिन अगर हम लोग एज एस बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एस आर मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके सारे मेथड्स को तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मैं इसको क्या करता हूँ कि अभी के लिए हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर ये जोर ए की लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को अपना एपीआई की लेकर के आना और उस एपीआई की को यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर एपीआई की लाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आना पड़ेगा अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर ओपन ए आई

तो उसके बाद voice is equals to इंजिन डॉट ग्रेट प्रॉपर्टी वॉइस तो यहाँ पर इसका वॉइस मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो विंडोज के अंदर दो वॉइस प्रॉपर्टी मिलता है तो यहाँ पर पहला वॉइस जो रहता है वो आप लोग का जीरो पोजिशन पे रहता है और दूसरा दूसरा वॉइस रहता है फर्स्ट पोजिशन पे तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करें यहाँ पर हम लोग वॉइस वॉइस को लेकर के आ रहे हैं जो कि एक एरे प्रोवाइड करता है और उसके बाद इंजिन डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉयस वॉइस सेट कर रहे हैं हम लोग क्या प्रॉपर्टी सेट करें यहाँ पर वॉयस और उसके बाद वॉइस एज जीरो जीरो पोजीन पे जो वॉयस पड़ा हुआ है उसके आई को यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करवा दे रहे हैं तो यहाँ पर जब भी जब भी ये स्पीक करेगा जब भी ये कुछ बोलेगा तो यहाँ पर इस वॉयस से ही ये बोलने वाला है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मेथड बनाया स्पीक नाम का तो इसके अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड करवाएंगे और उस टेक्स्ट को ये इंजन ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर पी वाई एस एक्स जो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है उसके मदद से यहाँ पर ये बोलेगा जो भी आप लोग का टेक्स्ट आएगा ठीक है उसके बाद इंजिन वेट ठीक है तो यहाँ पर इस वाले मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तब जब हम लोग चाहेंगे कि कोई कमांड हम लोग का मतलब कंप्यूटर स्पीक करे ठीक है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पूछा आयरन मैन के बारे में तो रेस्पॉन्स आया मान लीजिए चैट जीपीटी से कुछ आयरन मैन ये है वो है तो आप लोग उसको स्पीक करवाना चाहते हैं तो हम लोग यहां पर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान में रखिएगा उसके बाद यहां पर देखिए डेफ डेफ विश्म यहाँ पर ये विश्मी जो फंक्शन है ये क्या करेगा यहां पर देखिए अब देखिए यहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है स्पीक हेलो सर टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू तो यहाँ पर जब भी आप लोग इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे इस ए को स्टार्ट करेंगे तो वो आप लोग ग्रीट करेगा क्या बोलेगा हेलो सर टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ तो यहाँ पर ये जो स्पीक है इसी मेथड को कॉल कर रहा है इसके अंदर ये टेक्स्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है और यहाँ पर इस टेक्स्ट को ये बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पर दो मेथड हो गया अब उसके बाद यहाँ पर देखिए डेफ कमांड बाय द वे अभी ये जितना भी मेथड है ये यहाँ पर कॉल होगा इस स्टेटमेंट के अंदर तो उसका मतलब भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा तो अभी ध्यान से देखिए तो यहां पर देखिए गेट कमांड मेथड है हमारा गेट कमांड मेथड क्या करेगा कि जो भी आप लोगों का वॉइस आएगा उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर यहां पर स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर स्पीच रिकॉग्निशन का जो एसआर जिसको हम लोगों ने एसआर हम लोग एज एस आर यूज कर रहे एस आर वेरिएबल की मदद से तो यहाँ पर हम लोग रिकॉग्नाइजर को लेकर के आ रहे हैं ठीक है और उसको हम लोग वेरिएबल के अंदर रेको के अंदर स्टोर कर रहे हैं फिर एस डॉट माइक्रोफोन एस सोर्स हम लोग इसको एज अ सोर्स इस्तेमाल करने वाले जो हमारा माइक्रोफोन है उसको हम लोग एज अ सोर्स इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है उसके बाद देखिए प्रिंट

प्रिंट रिकॉगनाइजिंग यानी कि आप लोगों ने जो भी बोला अब उसको टेस्ट में कन्वर्ट करने का बार आ रहा है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं है, उसके बाद है, है, क्वीरी क्वीरी के अंदर हम लोग का जो भी टेक्स्ट है वो स्टोर होगा तो यहाँ पर रेको डॉट रिकॉग्नाइज गूगल हम लोग यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सके जो भी ऑडियो आया है हम लोग का उसके अंदर हम लोग ऑडियो पास कर रहे हैं उसके अंदर लैंग्वेज पास कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर वो कन्वर्ट कर देगा उसको इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में ठीक है तो यहाँ पर क्वेरी के अंदर हम लोग का टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा और मान लीजिए किसी कारण से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और कोई एरर आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर रिटर्न कर देंगे नन और बाय द वे यहां पर नन रिटर्न कर रहे हैं उसका भी इस्तेमाल होने वाला वो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बाद देखिए यहाँ पर रिटर्न क्वेरी समझ तो में आ गया तो यहाँ पर गेट कमांड के अंदर क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो भी आप लोग कुछ बोल रहे हैं वो पहले ऑडियो फॉर्मेट में आ रहा है ऑडियो फॉर्मेट में आने के बाद वो क्या हो रहा है कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है next तो अब नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज है यहाँ पर जीपीटी तो हम लोग यहाँ पर कॉल करने वाले हैं एपीआई को तो यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा आप लोग क्या करना है आप लोग को आना है ओपन ए एपीआई पर और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंदर आना है तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखिए चैट है इसके अंदर थोड़ा सा आप लोग तो API रिक्वेस्ट आप लो देखने को देखने मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोग कोई और यहाँ पर response is जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखिए यह पहले से पेस्टेड है ठीक है तो ये वो चीज आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेना है अब यहाँ पर ये जो जीपी जीपीटी है इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट भेजेंगे तो हम लोग का सवाल क्या है हम लोग का टेक्स्ट क्या है क्योंकि यहाँ से हम लोग गेट कमांड से मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट भेजेंगे तो यहाँ पर रेस्पॉन्स में ओपन कंप्लीशन क्रिएट और इसके अंदर लोग कुछ कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं आप क्या करना है? इसी तो, कर देना है। तो आप लोग लो तो लो तो करना है कुछ इस तरह से करेंगे और जो भी रेस्पॉन्स होगा जो भी चैट जीपीटी रेस्पॉन्स करेगा वो आप लोग का रिस्पॉन्स के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा फिर उसको रिटर्न करना है at, uh, तो इसके मदद से आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आप लोग को मिल जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में अब यहां पर देख लीजिए जितना भी यहां पर जो मेथड वगैरह था ये तो ठीक है अब मेथड यहां पर पहले यूज नहीं हो रहा था मेथड्स को सारे को यूज करने का टाइम आ गया अब यहां पर इफ नेम इज इक्वल इक्वल टू टू मेन इस बात का क्या मतलब है यहां पर पाइथन के अंदर एक वेरिएबल होता है जिसको नेम कहते हैं और यहां पर इसके अंदर मेन स्टोर रहता है अगर आप लोग का ये जो पाइथन फाइल है ये डायरेक्टली रन हो रहा है ये डायरेक्टली रन हो रहा है यहां पर अगर कोई मेथड वगैरह एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा और किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो यहां पर इसके अंदर मेन आता है यहां पर मैं डायरेक्टली क्लिक करके इसको रन करूं तो यहां पर मेन रहेगा इसके अंदर और अगर मैं किसी और फाइल के अंदर इस मेथड का इस्तेमाल करूं इसके मेथड के अंदर जो भी अवेलेबल है तो उस मेथड का अगर इस्तेमाल करूं तो वहां पर नेम मेन नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर इतना दिमाग इसमें मत लगाइए यहां पर बेसिकली पर मेन अगर डायरेक्टली आप लोग रन कर रहे हैं तो आप लोग का यहां पर रन होगा नहीं तो नहीं तो यहां पर देखिये विशमी विशमी सबसे पहले क्या बोलेगा कि जैसे ही हमारा ए आई स्टार्ट होता है वो क्या बोलेगा कि हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू उसके बाद वाइल्ड ट्रू वाइल्ड ट्रू यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप है जब तक आप लोग इसको स्टॉप होने नहीं बोलेंगे तब तक आप लोगों का ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा ताकि जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप इससे सवाल पूछो और ये जवाब दे आप लोग तो नहीं चाहेंगे कि एक सवाल का जवाब देके बंद हो जाए ऐसा तो आप लोग चाहेंगे नहीं तो यहां पर ये चलते रहेगा फिर देखिए क्वीरिज टू गेट कमांड डॉट लोअर तो यहाँ पर गेट कमांड जो मेथड है तो यहाँ पर आप लोग गेट कमांड मेथड को कॉल किया गया ताकि आप लोग जो भी बोल रहे हैं वो इसको मिल सके एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में तो टेक्स्ट फॉर्मेट में वो मिला अब डॉट लोअर से क्या होगा कि वो लोअर मतलब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी मतलब अपर केस में अगर है अगर अपर केस में कोई लेटर तो सारा वो क्या हो जाएगा लोअर केस में हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर इफ स्टॉप इन क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर जो भी सेंटेंस आप लोगों ने भेजा मान लीजिए जारवे स्टॉप भेजा और उसके अंदर स्टॉप वर्ड अगर प्रेजेंट है तो क्या करो यहाँ पर स्पीक कर दो बोल दो मतलब ऑडियो में वो बोल देगा कि सर मतलब मैं बंद हो चुका हूँ उसके बाद ब्रेक कर दो तो यहाँ पर ये नहीं चल रहा होगा, आप प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा। अगर स्टॉप नहीं होता है, तब यहाँ पर inquiry, अगर के अंदर रहता है कि आप लोग बोलते हैं कि जारविस मुझे बताओ इसके बारे में आयरन मैन के बारे में मुझे बताओ इलास के बारे में तब ये इसके अंदर वाला काम होना चाहिए नहीं तो अगर आप लोग कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो एज अ क्वेरी लेगा

तब वो बोलेगा तो जारविस क्वीरी के अंदर अगर होता है ठीक है तब इसके अंदर आओ और यहां पर और दिया हुआ है मतलब कि ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होने से काम चलेगा तो क्वीरी रिक्वेस्ट विक्वेस्ट सुन जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था तो यहां पर देखिए तो यहाँ पर क्या है मैंने आप लोगों को ये इसके अंदर नहीं ये गेट कमांड के अंदर गेट कमांड के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो रिटर्न करेगा न तो यहां पर अगर जारविस नन क्वेरी का वैल्यू अगर नन होता है तो भी इसके अंदर घुसेगा अगर जारविस अगर क्वेरी के अंदर रहता तो भी इसके अंदर घुसेगा दोनों में से कोई एक्ट्रू होना चाहिए तो स्पीक के अंदर श्योर सर बोल देगा और उसके बाद यहां पर स्पीक जीपीटी क्वेरी अगर कोई भी एरर आता है तो यहां पर अगर क्वेरी के अंदर जो भी वैल्यू क्वेरी के अंदर मान लीजिए नन रहता है तो यहां पर वो स्पीक कर देगा ठीक है मान लीजिए कोई एरर आ गया तो वो नन बोल देगा लेकिन आप लोगों का अगर आप लोगों ने पूछा कि जारविस टेल मी अबाउट दिस टेल मी अबाउट दिस मान लीजिए टेल मी अबाउट आयरन मैन तो वो रिस्पॉन्स जीपीटी के अंदर जाएगा रेस्पॉस जीपीटी के अंदर वो टेक्स्ट जाएगा रेस्पॉन्स जीपीटी के अंदर वो टेक्स्ट जाएगा और वो टेक्स्ट के रिस्पॉन्स में कोई रिस्पॉन्स आएगा इस रिपॉन्स जीपीटी जो मेथड है इसके अंदर वो टेक्स्ट भेजा जाएगा जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए चैट ओपन ए पे जाते हैं कुछ इस तरह से आप लोग बोलते हैं कि टेल मी अबाउट आयरन मैन तो यहाँ पर एंटर जैसे करेंगे तो आप लोगों को यहां पर कुछ कुछ ये दिखाने लगेगा आयरन मैन के बारे में बताने लगेगा ठीक है तो यहां पर भी वही सेम चीज हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि आप लोगों ने कुछ बोला वो टेक्स्ट गया, टेक्स्ट गया ए गया एपीआई के अंदर उसके रिस्पेक्ट में कोई रिस्पॉस आया जो कि यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह का रिस्पॉस आया वो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हुआ और रिस्पॉन्स के अंदर डॉट चॉइस जीरो के अंदर आप लोगों का जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में था कि आर एन बैन वो है तो वो आप लोग का टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया और स्पीक स्पीक के अंदर वो टेक्स्ट को भेज दिया गया और यहां पर हमारा जो एआई है वो बोलना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एल्स कंटिन्यू एल्स कंटिन्यू मतलब कि अगर ये इफ नहीं हुआ ये इफ नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो ट्रू मतलब चलाते रहो ठीक है तो इतना काम तो हमारा हो चुका है अब मैं जैसे ही यहां पर जो ए पी आई की अंदर अपना ए पी आई की डालूंगा तो यहाँ पर ये यह रन होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर अब नेक्स्ट एक और चीज है कि आप लोग कैसे करेंगे आप लोग शॉर्टकट की कैसे लगाएंगे शॉर्टकट की आप लोगों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को अपने

आप लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो भी आप लोग चाहते हैं कि ठीक तो है एच okay. तो तो प्रेस करेंगे तो यह रन हो जाएगा लेकिन एक और चीज करना है आप लोगों इस पर राइट करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन विथ के अंदर पाइथन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर यहाँ पर यह भी रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एपीआई की नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को इस पर राइट right क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विथ के अंदर पाइथन क्लिक कर देना ताकि आप लोग बैकग्राउंड में रन हो अगर आप लोग कभी भी कभी भी इसको विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करते हैं तो आप लोग वापस से जाकर के पाइथन से ओपन कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंट्रोल ऑल्ट और एच प्रेस करें तो आप लोग पाइथन बैकग्राउंड में रन होने लगे तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर हो रहा है कंट्रोल ऑल्ट और जे तो यहाँ Tell पर देखिए बैकग्राउंड में ये रन हो रहा है तो यहाँ पर हमारा ए क्रिएट हो चुका है यहाँ पर हमारा वॉइस असिस्टेंट बन चुका है आप लोग किसी भी जगह पर किसी भी ऐप के अंदर हो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके इस वीडियो के रीच को बढ़ा सकते हैं और मिलते है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय